बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिल्ली स्टाइल रेसिपी। आज दिल्ली स्टाइल रेसिपी में मैं आपके लिए लाई हूँ अरबी गोश्त बनाने की रेसिपी। वैसे तो मैंने अरबी गोश्त बनाने की एक रेसिपी पहले डाल रखी है, लेकिन वो वर्किंग लेडीज के लिए है। बहुत जल्दी में अगर कोई खाना पकाना चाहता है तो इस तरीके से पका सकता है, लेकिन आज जो मैं हम कभी इस तरीके से जो मैं आज रेसिपी बता रही हूँ हम कभी इस तरीके से पकाते हैं और कभी उस तरीके से पका लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो गोश्त, 250 ग्राम अरवी, 2 चम्मच धनिया। अगर आप 1 किलो गोश्त ले रहे हैं तो उसमें 4 चम्मच धनिया डालिए, टीस्पून की मैं बात कर रही हूँ, छोटा वाला चम्मच जो होता है। तो ये मैंने 2 चम्मच धनिया लिया हुआ है, 1/2 टीस्पून मिर्च, आप मिर्च ज्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन मैं थोड़ी मिर्च कम डालना पसंद करती हूँ, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज्यादा ये मैंने नमक लिया है। प्याज मैंने एक बड़े साइज की काटी है आज, और इसको बहुत बारीक काटना है। और अगर आप शोरबा गाढ़ा पसंद करते हैं तब तो आप बड़ी प्याज डालिए, और अगर आप शोरबा पतला रखना पसंद करते हैं तो आप छोटे साइज की प्याज ले लीजिए। 2 चम्मच पिसा हुआ लहसुन और 100 ग्राम दही। चूंकि मैं मेरे घर में गाढ़ा शोरबा पसंद किया जाता है तो मैं इसलिए थोड़े बड़े साइज की प्याज ली होगी मैंने। अच्छा, कुकर में मैंने पहले से ऑयल गरम किया हुआ है, ऑयल गरम हो चुका है। पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो चुकी है और अब मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ। पहले हम लहसुन की भुनाई कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। अच्छी तरह से लहसुन भुन जाना चाहिए। और अब मैं इसमें जो मैंने पाउडर मसाले निकाल के रखे हैं ये मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसके साथ ही हम इसमें जरा सा डाल देंगे पानी ताकि मसाले जले नहीं। बहुत थोड़ा सा पानी डालना है क्योंकि मैं इसमें हाथ के हाथ ही दही भी डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसकी भुनाई करूंगी अच्छे से मसाले की। अब ये देख रहे होंगे आप बिल्कुल सफेद सफेद हो रहा है, लेकिन ये मसाला बिल्कुल भुन जाएगा और घी जो है वो मसाले से अलग हो जाएगा। मसाला पूरी तरीके से भुन चुका है और अब मैं इसमें बोटियां डाल रही हूँ, और हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी। अब मैं कुकर को बंद कर रही हूँ और जब सीटी बोल जाएगी तो मैं 10 मिनट के लिए फ्लेम को सिम पे कर दूंगी, फिर हम खोल के देखेंगे बाद में कि गोश्त हमारा गला है या नहीं। फ्लेम को सिम पे किए पूरे 10 मिनट हो गए हैं और मैं इसको ऑफ कर रही हूँ, और मैं अब इसका प्रेशर निकाल के अब आप जो इसके अंदर शोरबा देख रहे हैं ये हमें इसकी भुनाई करनी होगी पूरी तरीके से, क्योंकि ये जो है पानी मैंने पहले डाला था कुकर बंद करने से पहले, और गोश्त में ही पानी छोड़ा होगा। बहुत से लोग ये करते हैं कि इसी का शोरबा बना देते हैं, ऐसी गलती हरगिज ना करें। क्योंकि देखिए आप इसमें प्याज अलग नजर आ रही है, पानी अलग नजर आ रहा है। इसकी भुनाई हम करेंगे तो ये सब एक जान हो जाएगा। और वैसे भी अभी जो ये शोरबा है इसमें गोश्त की और मसालों की बदबू आ रही होगी, जब हम पूरी तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे तो ये बदबू भी खत्म हो जाएगी और पानी भी जल जाएगा। मसाला पूरी तरीके से भुन चुका है और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, तकरीबन आधा गिलास, और हम डाल रहे हैं इसके अंदर अरवियां। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डालूंगी क्योंकि शोरबा भी कम है। मैं इसमें आधा गिलास पानी और डाल रही हूँ, चारों तरफ से साफ कर लेते हैं।
कुकर को दोबारा से बंद कर रही हूँ और अब फ्लेम को मैंने हाई पे कर दिया है और गार्विया कर ले पूरे 5 मिनट लग जाएंगे। जब सीटी बोल जाएगी तो मैं फ्लेम को सिम पे कर दूंगी, फिर हम इसको खोलेंगे 5 मिनट के बाद। इसको रखे पूरे 5 मिनट हो गए हैं और अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। मैं इसका प्रेशर निकाल रही हूँ। अरवियां जो है गल चुकी हैं ये देखिए, और अब मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी थोड़ा सा। मैंने आपको बताया था कि मैंने शोरबा गाढ़ा रखा हुआ है, आप चाहें तो इसको पतला भी कर सकते हैं। मैं इसमें हरा धनिया मैं हमेशा हरा धनिया बाद में डालती हूँ, इससे जो है खुशबू जो है हरे धनिया की बची रहती है। जब हम सालन खाने बैठेंगे तो हमें ऊपर से खुशबू आएगी। अभी गोश्त मैंने सर्व कर दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल दिल्ली स्टाइल रेसिपी।